गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम देखते हैं जैसे बायोलॉजी का सीरीज चल रहा है, इसमें हम नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। जैसे स्क्रीन पे आप देख सकते हैं लिखा हुआ सेल वॉल, राइट बच्चों। ये सेल वॉल क्या होता है, तो सपोज कीजिए ये हमारा जो सेल है, राइट बच्चों, सेल के अंदर जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइट बच्चों, न्यूक्लियस होता है, राइट बच्चों, गॉल्जी बॉडी होता है, ये नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे, राइट। तो ये सिंगल होता है और इसके जो बाहर एक और जानिब सरफेस लगे होते हैं, राइट बच्चों, जैसे ये सरफेस। तो ये दोनों सेल जो अंदर वाले सेल और ये अंदर वाले सरफेस और बाहर वाले सरफेस को दोनों को मिला के ये क्या बनता है, ये बेसिकली सेल वॉल होता है, राइट। और जो ये अंदर का जो पोर्शन होता है, ये सिंगल जो सेल इनसाइड वाला होता है, इसे क्या कहते हैं, सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ओके बच्चों, और तो आप देख सकते हैं जो फर्स्ट पॉइंट है सेल वॉल में, इट इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड इट इज फाउंड ओनली इन प्लांट। ये बेसिकली किस में पाया जाता है, सिर्फ यानी प्लांट के अंदर पाया जाता है, राइट। और ये जो लिखा है सेल्यूलोज से बने होते हैं, तो ये सेल्यूलोज क्या होता है बच्चों, तो सेल्यूलोज से ही यानी जो पेपर बने होते हैं वो सेल्यूलोज के ही बने होते हैं। मोस्टली जितने भी क्लॉथ्स होते हैं, राइट, ये भी किससे बने होते हैं, सेल्यूलोज से ही बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, इट गिव्स प्रोटेक्शन टू ट्री एंड प्लांट। ये बेसिकली ट्री और प्लांट को क्या देते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं, राइट बच्चों। नेक्स्ट पॉइंट है, अ बैक्टीरियम इज अ प्लांट हूज सेल वॉल इज मेड अप ऑफ जो पेप्टिड ऑफ लाइकन, राइट बच्चों। जो बेसिकली जो बैक्टीरियम जो प्लांट होता है वो सेल वॉल के किससे बने होते हैं, पेप्टिडोग लाइकन से बने होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान रखेंगे जो यानी जो बैक्टीरियम जो प्लांट होता है वो सेल वॉल के किस से बने होते हैं, तो पेप्टिडोग लाइकन से बने होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, द सेल वॉल ऑफ द फंगस इज मेड अप ऑफ चिटिन। जो वैसे सेल वॉल जो होता है वो फंगस से बने होते हैं, कौन से फंगस, नेम क्या है उसका, यानी चिटिन नाम है। आई होप ये सेल वॉल आपको लर्न हो गया होगा बच्चों। आगे हम देखते हैं यानी सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन ऑलरेडी बता दिया है, जो कि बेसिकली जो इनसाइड वाले पार्ट में पाया जाता है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो इट इज फाउंड इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट, ये बेसिकली एनिमल्स और प्लांट के अंदर भी पाया जाता है। आप ऑब्जर्व कीजिए सिंगल, जो हम लोग किस में आते हैं, प्लांट सेल में आते हैं या एनिमल्स में, तो ह्यूमन बींग्स किस में आते हैं बताइए। ह्यूमन बींग्स जो बेसिकली किस में आते हैं, ये आपका एनिमल सेल में आते हैं, राइट बच्चों, ये एनिमल सेल में। तो हम लोग एनिमल सेल है, तो आप बताइए ह्यूमन बींग को यानी डबल बॉन्ड की जरूरत, डबल सरफेस की रिक्वायरमेंट है, या प्लांट को है, तो प्लांट को ज्यादा जरूरत है, क्योंकि हम तो ऑलरेडी यानी क्लोज पहन के रखे हुए, हमारे पास स्किन सिर्फ है। लेकिन अगर प्लांट के पास अगर सिंगल होता है, तो रास्ते में चलते फिरते कोई भी उसे नोच देता है, इसलिए जो बेसिकली जो प्लांट को यानी डबल सरफेस की रिक्वायरमेंट है हमारे अंदर, जो सिंगल, जो कि आप देख सकते हैं सेल मेम्ब्रेन जो हमारे अंदर ही ह्यूमन बींग्स का ही पार्ट है। तो ये लिखा है इट इज फाउंड इन बोथ एनिमल्स एंड प्लांट, ये दोनों में पाया जाता है, एनिमल्स के भी अंदर और प्लांट के भी अंदर। नेक्स्ट है, ऑल द कंपोनेंट इनसाइड द सेल इनसाइड द मेम्ब्रेन, ये बेसिकली आप फिगर में भी देख सकते हैं, ये इनसाइड पाया जाता है, राइट। यहाँ पे भी ऊपर भी मैंने डायग्राम में बताया था, जो सेल मेम्ब्रेन होता है ये बेसिकली इनसाइड द सेल के अंदर पाया जाता है, राइट। नेक्स्ट पॉइंट है, इट कंट्रोल द सब्सटेंस गोइंग इनसाइड द सेल, ये क्या करता है, कंट्रोल करता है किसे, जब सेल कोई भी अंदर यानी इनसाइड होता है जाने की कोशिश करता है, उसे कंट्रोल करता है, राइट बच्चों। और नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज सेमी परमीबल अलाउ ओनली अ फ्यू ऑब्जेक्ट इनसाइड, ये क्या होता है, सेमी परमीबल होता है यानी हाफ होता है, जो कि यानी कुछ ही सेल को यानी कि कुछ ही ऑब्जेक्ट को ये अंदर आने की अनुमति देता है, क्योंकि अगर ऑल ऑब्जेक्ट अगर अंदर आ जाएंगे तो अंदर चल के बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, राइट बच्चों। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा, जो बेसिकली सेल वॉल और सेल मेम्ब्रेन में क्या डिफरेंस है। मेजर आपको डिफरेंस ध्यान रखना है, जो पहला जो सेल वॉल होता है वो प्रेजेंट किसके अंदर होता है, सिंपली आपको ध्यान रखना है, जैसे आप यहाँ पे बना भी सकते हैं, जैसे ये सेल वॉल है, सेल वॉल, और ये बेसिकली सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल वॉल के अंदर क्या, कौन सी प्रेजेंट होता है, किसके अंदर प्रेजेंट होता है, तो ये बेसिकली प्लांट, और ये प्लांट और एनिमल्स दोनों के अंदर होते हैं। और ये बेसिकली किससे बनता है, यानी सेल वॉल किससे बनता है, तो ये सेल्यूलोज से बनता है बच्चों। और ये किससे बनता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ये प्रोटीन से बनता है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है, यानी प्लाज्मा, ये बेसिकली आपको ये भी मेंशन ध्यान रखना है, ये किससे, प्रोटीन से बनता है, राइट बच्चों, आपको ध्यान रखना है। जो सेल मेम्ब्रेन किससे बनता है, प्रोटीन से, और जैसे सेल वॉल किससे बनता है, ये बेसिकली जो सेल्यूलोज से बनता है, ये प्रोटीन से बनता है।